सुनीता विलियम्स 5 जून को बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गई थी। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सुनीता और उनके साथियों का जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सुनीता अपनी इस कामयाबी पर डांस कर रही थी। उनके लिए स्पेस में घंटी बजाई गई। सभी एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पर इस कामयाबी की अलग चमक। इस मिशन को कंप्लीट कर सुनीता को 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन आज 12 दिन से ज्यादा हो गए। सुनीता और बुच विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट कब वापस आएंगे, इसे लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास कोई जवाब नहीं। सुनीता और बुच विलमोर जिस बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए उसमें खराबी आ गई है जिससे दोनों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खराबी आ गई। दरअसल बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हुई। हीलियम ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देते हैं। इसके अलावा भी स्टार लाइनर में 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ। थ्रस्टर फेल्योर होने की वजह से स्टार लाइनर कैप्सूल का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया जिससे धरती पर आते समय यान का नियंत्रण सुनीता या बैरी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में अंतरिक्ष में जाकर कोई खराबी आई। इसकी लॉन्चिंग से पहले भी 2 बार इसमें खराबी आई थी। नासा को मिशन शुरू होने से पहले भी इन दिक्कतों का पता था, बावजूद इसके मिशन को हरी झंडी दी गई। स्टारलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिन की है। मिशन 5 जून को शुरू हुआ था यानी 20 दिन हो चुके हैं और अब सिर्फ 20 दिन का फ्यूल बचा है। अगर हीलियम लीक और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी का असर फ्यूल सिस्टम पर पड़ा तो फ्यूल और जल्द खत्म हो सकता है। यानी अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने। News.